आदाब नाज़रीन, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ इरशाद मलिक। हमारे साथ बात करने के लिए अवकाफ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जावेद कादरी, जो कि सीनियर लीडर बीजेपी के हैं। आज उनकी रैली जो है शिरमाल से स्टार्ट होकर पीर गली तक जा रही, क्योंकि इनके हमरा जो है दरक्षा इंद्रा भी जो MOS रह चुके और अभी जो है वो चेयरपर्सन है अवकाफ कमेटी की। तो आपसे जानना चाहेंगे, आज आपकी एक और रैली देखने को मिली है, तो क्या देख रहे हैं आप हालात को लेकर शुपियान में? देखिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं मोदी जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से कश्मीर में हालात ठीक हुए, और मैं शोपियान के लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो हमेशा जावेद कादरी को प्यार दे रहे हैं। और आपने खुद भी देखा है ये रैली, इसमें करीबन 200 गाड़ियाँ हैं। आज शोपियान के लोग खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ निकले हैं, और हम वेलकम करते हैं दरक्षा इंद्रावी जी को, जिसने आज यहाँ तशरीफ़ लाया है। और आज हम जा रहे हैं पीर गली देखने। पीर गली ज़ियारत है हमारी, एक बहुत बड़ी ज़ियारत, आज हम वहाँ जा रहे हैं, और ये रैली बराबर शोपियान शिरमाल से पीर गली तक जाएगी। तो क्या है इसको हम अगर देखा जाएगा, क्या पॉलिटिकल रैली जो है या कंपेन चलाने की रैली नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी व्यक्ति होता है वो एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होता है। बाकी रहा वक्फ की बात, आज तो वक्फ का हमने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम दिलोजान हैं, और हमारे वर्कर जितने हैं वो भी उसके साथ दिलोजान हैं। तो आप बताइए कि काफ़ी मुश्किलात, अगर हम बात करेंगे पीर गली आप जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़ी ज़ियारत है, वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, औरतों को बैतुल खुला की प्रॉब्लम या वहाँ पे रहने की प्रॉब्लम है, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए किस तरह सोचते हैं आप? देखिए, असल में मैंने मैडम के साथ वो प्लान भी बनाया है, मैंने प्लान दे दिया है, उसमें टूरिज़्म का भी कुछ ना कुछ बनेगा, और वहाँ पर लेटरिन बाथरूम का जो भी होगा वो हम करेंगे। आज खुसूसन मैडम जी इसलिए आई है यहाँ। आखिरी सवाल, किसके हक में वोट डालना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसके हक में वोट डालेगी जो लोगों को लैपटॉप देगी, जो लोगों को तालीम देगी, जो लोगों को सहूलियत देगी। आपने पिछले 10 साल से देखा है, यही वो 5 साल है जो कश्मीर ने देखे है दिल से, क्योंकि आप आज देखिए हालात ख़राब नहीं है, आप आज देखिए हमारा रेडी वाला काम कर रहा है, आज आप देखिए हमारा जो भी गरीब लोग हैं वो आज काम कर रहे हैं, मोदी जी ने जितने स्कीमें दी है आप लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जावेद कादरी, जो अवकाफ कमेटी के प्रभारी या शुपियान के हैं। तो इनका साफ कहना है कि हम चाहते हैं हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे जिन्होंने यहाँ के जो नौजवान हैं उनके हाथों में कलम थामा है, लैपटॉप थामा है, यकीनन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क।